राजस्थान में विधानसभा चुनाव को देखते हुए जयपुर के पीसीसी मुख्यालय पर अहम बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में प्रदेश कांग्रेस कार्यकारिणी और जिला अध्यक्षों को बुलाया गया, जिसमें सभी को चुनाव के तहत कई प्रकार के टास्क दिए गए। वहीं इस बैठक में पीसीसी चीफ गोविंद डोटासरा, पार्टी प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा सहित पार्टी के तीनों सह प्रभारी मौजूद थे। प्रधानमंत्री मोदी एक बार फिर से राजस्थान के दौरे पर आ रहे हैं। खबरों की माने तो इस बार पीएम 28 जुलाई को राजस्थान के जाट बहुल नागौर जिले की यात्रा करेंगे। वहीं पीएम मोदी खरनाल में जनसभा को संबोधित करने के साथ लोक देवता तेजाजी के मंदिर में पूजा अर्चना भी करेंगे। राजस्थान सरकार ने 13 जुलाई की रात बड़ा प्रशासनिक फेरबदल कर दिया है, जिसमें 2 संभागीय कमिश्नर और 6 जिला कलेक्टर बदले गए हैं। खबर है सरकार ने जैसलमेर कलेक्टर टीना डाबी की मैटरनिटी लीव को मंजूरी दे दी है, जिसके बाद आईएएस आशीष गुप्ता को जैसलमेर कलेक्टर पद की जिम्मेदारी दी गई है। कोटा जिले के मेडिकल कॉलेज से लापरवाही का एक बड़ा मामला सामने आया है। खबरों के मुताबिक एक मरीज को हार्ट अटैक आने पर डॉक्टर सीपीआर दे रहे थे, इसी दौरान करंट से मरीज के ऑक्सीजन मास्क में आग लग गई और मरीज का चेहरा और गर्दन बुरी तरह से झुलस गई, जिस कारण मौके पर ही मरीज की मौत हो गई। राजधानी जयपुर के सांगनेर इलाके में विधायक अशोक लाहोटी की ओर से क्रिकेट टूर्नामेंट शुभारंभ कराया गया। इस टूर्नामेंट की शुरुआत क्रिकेटर और बीजेपी सांसद गौतम गंभीर ने सफाई को लेकर शपथ दिलाकर की। बता दें, इस क्रिकेट टूर्नामेंट में इलाके के युवा बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। राजस्थान विधानसभा चुनाव को लेकर प्रदेश के प्रमुख पार्टी कार्यालयों के बाहर टिकट मांगने वालों की भीड़ लगने लग गई है। इसी सिलसिले में टिकट लेने के इच्छुक नेता बीजेपी कार्यालय के बाहर पार्टी पदाधिकारियों से मुलाकात कर अपनी जुगत लगाने में जुटे हैं। बीजेपी से चुनाव में टिकट लेने को इच्छुक उम्मीदवार ने कांग्रेस सरकार के भ्रष्टाचार को लेकर भी सरकार पर निशाना साधा। नागौर जिले के मेड़ता उपखंड के ओलादन ग्राम से एक बड़ी घटना सामने आई है, जहां बंद पड़े एक मकान के टांके में प्रेमी युगल के शव रस्सी से बंधे मिले, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दोनों को बाहर निकाला। आपको बता दें, प्रेमी युगल के परिवार इसी गांव के रहने वाले हैं, जिन्होंने 11 जुलाई को कुचेरा थाने में अलग अलग मामला दर्ज कराया। 15 जुलाई की सुबह जोबरेल के पास मालगाड़ी के 2 डिब्बे पटरी से उतरने के कारण रेल यातायात प्रभावित हो गया। मालगाड़ी के डिरेल होने से उत्तर पश्चिम रेलवे के जयपुर मंडल में कई रेलवे रूट प्रभावित हुए, जिसके कारण 7 से 8 ट्रेनों को रद्द कर दिया गया। वहीं घटना के बाद रेलवे के शीर्ष अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचकर रूट को चालू करवाने में लग गए। कोटा के रेलवे कॉलोनी थाना इलाके से एक दर्दनाक घटना सामने आई है। खबरों के मुताबिक एक 14 साल की लड़की के गले में रस्सी फंसने से दर्दनाक मौत हो गई। इस पूरी घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया। वहीं सीसीटीवी फुटेज के सामने आने के बाद सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर मॉर्चरी में रखवा दिया।